वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सी। यहाँ पर मैक्सिकन लीग का मैच हो रहा है क्लब अमेरिका वर्सेस पैचुका के बीच 5:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, इन दोनों टीम्स के बीच एक मैच हुआ था आज से लगभग एक हफ्ता पहले, या फिर 4-5-6 दिन पहले ही हुआ था, मतलब इतना ही मान के चलो, जिसमें वो मैच हुआ था ड्रॉ। और ये नॉकआउट मैच तो है नहीं कि रिजल्ट निकले, तो हो सकता है आज भी ड्रॉ हो, लेकिन गोल होंगे। मतलब पिछले मैच में क्लब अमेरिका के एक्सपेक्टेड प्लेयर गोल नहीं करके गए, पीएससी टीम का एक्सपेक्टेड प्लेयर गोल नहीं करके गया, जो हमने सोचा था। तो आज हम थोड़ा अलग लेवल का सोचेंगे, क्योंकि आज कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ड्रॉ तो अगर हुआ भी तो हो सकता है 2-2 से हो, क्योंकि आज गोल दिख रहे हैं मेरे को। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखिए भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर जूलियो क्विनेंस को लास्ट मैच के अंदर नहीं खिलाया था इन्होंने, एज अ सब्स्टिट्यूट इसको रखा था और इसकी जगह पर किसी अन्य प्लेयर को चांस दिया था, और वो शायद था इनका मिडफील्डर जिसका नाम है जे दिल रोशन। ठीक है, जे दिल रोशन उस मैच में खेला था एज अ प्लेइंग 11 प्लेयर और इसने एक असिस्ट की थी। देखिए अब दिल रोशन भी स्ट्राइकर रह चुका है, लेकिन मैं प्रेफर अभी भी जूलियो को करता हूँ। तो ये बहुत पुराना प्लेयर है भाई, उसको पता है कि जूलियन को पता है कैसे खेलना है मैक्सिकन लीग में, और हेनरी मार्टिन द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, ये दोनों प्लेयर एक साथ खेलेंगे तो गोल आएगा ही आएगा। ये तो पता नहीं इन लोगों ने क्यों नहीं खिलाया क्विनेंस को, पता नहीं आज भी खेलेगा कि नहीं। मान लीजिए अगर ये आज नहीं खेलता तो आपने क्विनेंस की जगह पर दिल रोशन को ले लेना है, ठीक है। और आगे बात करें तो मैं रोंडोन के साथ जाऊँगा, एज रोंडोन इज़ अ ग्रेट प्लेयर। और सैलोमन रोंडोन ने लास्ट मैच के अंदर एक गोल भी किया था, उससे पहले भी नेकेक्सा के अगेंस्ट कर चुका है, और सीज़न सबसे बेहतर रहा है इसका मेरे हिसाब से, इसकी लाइफ का सबसे, इसके करियर का सबसे बेस्ट सीज़न जा रहा है इस साल। और क्योंकि पहले प्रीमियर लीग में था, वहाँ भी चलता नहीं था, यहाँ पर अलग लेवल का खेल रहा है। मिडफील्डिंग की बात करें, देखिए यहाँ पर मैं लूँगा वेल्डिस को एंड जेंडिजेस को। दिल रोशन मैं तब लूँगा अगर यहाँ से जूलियो क्विनेंस नहीं खेलता, अभी लेना बेकार है भाई, ठीक है ना। और आगे बात करें ई सेंचियस, देखिए अब आपको ई सेंचियस लेना पड़ सकता है। द रीज़न इज़ क्योंकि पिछले मैच में ओ इद्रिसी खेला नहीं, अब इद्रिसी क्यों नहीं खेला, क्या इंजरी है, मेरे को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली नहीं, और बटिस्टा को मैं लूँगा नहीं, तो मेरे लिए तो एक प्लेयर बच जाता है जो कि मेरा फेवरेट है, नेल्सन डियोसा। नेल्सन डियोसा किसी भी मैच में गोल कर सकता है, और इसकी सिलेक्शन इतनी कम रहती है कि जिस दिन गोल और असिस्ट करेगा उस दिन आप जीतोगे ही जीतोगे। एंड बात करें डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग में पीएसी टीम का तो देखो मेरे को कोई काम लग नहीं रहा, और कैल्डरॉन भाई साहब वो हो रखा है, क्या बोलते हैं अपना, सब्स्टिट्यूट आया था पिछले मैच में, तो कैल्डरॉन का भी मुझे पता नहीं खेलेगा कि नहीं, ले लो पता नहीं, बाकी प्लेइंग 11 में आएगा कि नहीं। यानी एल्वरेस की बात करें, एल्वरेस वॉज इंजर्ड, लिटल बिट इंजर्ड, और आईरियस की अगर मैं बात करूँ तो उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि लिचनोवस्की की जगह पर मैं इसको लिया, और लास्ट मैच में एसरियस की अगर बात करूँ तो इसको भी लिया था, कैक्रेस खेला नहीं था क्योंकि कैक्रेस इंजर्ड है। और बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर सी मोरेनो खेलेगा, और मोरेनो ने लास्ट मैच में क्लब अमेरिका के 1-2 गोल में से सिर्फ 1 कॉन्सीड होने दिया, अगर ज़्यादा ट्राई होती तो बहुत गोल हो सकते थे। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है यहाँ पर हमारा हेनरी मार्टिन, और वाइस कैप्टन जूलियो क्विनेंस। एंड बात करें ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।